हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने फोन पे के ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने फोन पे के ऐप में बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहें, जोड़ना चाहें, तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोन पे के ऐप में किसी भी बैंक अकाउंट को अगर आप ऐड करना चाहो तो किस तरीके से ऐड कर सकते हो। पूरी जानकारी हम आपको न्यू प्रोसेस में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप से फोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से यानी कि खाता से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उससे आपको पे ऐप को लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए फोन पे में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोफाइल का। इसी प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से जो भी आपका बैंक होगा उसे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। अगर आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जिस बैंक में आप जोड़ना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, अगर दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर आप उसे सर्च कर लीजिएगा। मेरा बैंक अकाउंट BOB का है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, तो इस पर मैं सिंपल इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइंडिंग अकाउंट लिंकेड इस तरीके से लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, आपका भी इस तरीके से लिंक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप UPI पिन जनरेट करना चाहते हो, रीसेट करके नया बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको रीसेट पिन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना UPI पिन बनाने के लिए पहले आपको ATM का लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर आपको कोड डाल देना है, यानी कि जो लास्ट 6 डिजिट होता है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डाल देते हैं उसे। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देना है, अपने ATM का एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इसी प्रोसेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये सारा ऑप्शन फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, देन उसके बाद इस तरीके से OTP आएगी, OTP अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगी इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना न्यू UPI पिन बना लेना है। जो भी 4 अंक का UPI पिन आप बनाना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर UPI पिन इस तरीके से बना लेते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपने जो UPI पिन 4 अंक का बनाया है दोबारा से आपको कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद फ्रेंड्स, देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने फोन पे का ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस को चेक करना चाहो, या आप किसी के पास पैसे ट्रांसफर करना चाहो, या लेन देन करना चाहो, अब बहुत इजीली वे में आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कुछ इस तरीके से लॉक स्क्रीन है, तो मैंने इस तरीके से डालकर फोन पे ऐप को ओपन कर लिया। और फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे बैलेंस चेक करना है बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पर चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा। उसके बाद UPI पिन जो आपने बनाया है उसे आपको यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आपको राइट के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फैक्चिंग बैलेंस लिखेगा। उसके बाद आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फोन पे के ऐप में किसी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर आप रीसेट करके UPI पिन बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप न्यू प्रोसेस में आप इस तरीके से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।